एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपको अपने चैनल में बताने वाली हूँ, अगर आपकी काफी हैवी आर्म्स हैं तो आपको किस तरीके के ब्लाउज पहनने चाहिए। और इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं शॉर्ट हाइट लेडीज के लिए, उनको किस तरीके के ब्लाउज पहनने चाहिए, और वो वीडियो काफी पसंद कर रहे हैं लोग। और इस वीडियो में अगर आपकी काफी हैवी आर्म्स हैं, फैटी आर्म्स हैं, तो आपको जो ब्लाउज है उसकी जो स्लीव्स हैं आपको फुल रखनी चाहिए। जो फुल स्लीव जो स्टिच करवाओगे तो स्ट्रेचेबल स्टिच करवाएं, जिससे कि वो तो काफी कंफर्टेबल भी लगता है। आप फुल स्लीव ब्लाउज पहनते हो तो आपके जो आर्म्स हैं वो हाईलाइट नहीं होते हैं, और जिससे कि आपकी बॉडी है वो काफी स्लिम दिखती है और काफी अच्छी लगती है। सेकंड, आपको अगर आप फुल स्लीव नहीं पहनना चाहते हैं, काफी लोगों को फुल स्लीव अच्छे नहीं लगते हैं, तो 3/4 स्लीव्स भी पहन सकते हो, जिससे कि आपके जो आर्म्स हैं वो हाईलाइट नहीं होंगे। एंड आप अपने जो ब्लाउज स्टिच करवाते हो उसमें भी आपको जो है नेक है, आपको कॉलर नेक नहीं सिलवाना है। वो अगर आप कॉलर नेक स्टिच करवाते हो तो आपके जो आर्म्स हैं वो ज्यादा हैवी दिखते हैं, तो आपको यहाँ से जो नेक बोन होती है वहां से आपको इतना गला आप पहन सकते हैं, बोट नेक पहन सकते हैं, वो भी काफी अच्छे लगते हैं। अगर आपको 3/4 स्लीव अच्छी नहीं लगती हैं तो आप एल्बो तक अपनी स्लीव स्टिच करवा सकते हो, जिसमें आपको जो कोल्ड स्लीव्स आजकल चल रही हैं, यानी यहाँ से जो कट आता है वो वाली स्लीव के ब्लाउज आप अपने लिए स्टिच करवा सकते हो। एंड आप अपने जो स्लीव्स हैं उस कटिंग करवा कर बीच में आप डिजाइन करवा सकते हो, तो ये ब्लाउज भी काफी अच्छे लगते हैं जिनके हैवी आर्म्स होते हैं। एंड नेक पर भी अब ध्यान देना है कि आपको कैसे नेक पहनने चाहिए, उसका डिजाइन वी शेप में आप करवा सकते हैं, राउंड में करवा सकते हैं, और राउंड में भी आप इस तरीके से करवा सकते हैं कि यहां से ज्यादा राउंड लें तो वो भी काफी अच्छा लगता है। तो आपको बोलूंगी कट स्लीव अवॉइड करें, बट काफी गर्ल्स को या लेडीज को कट स्लीव ब्लाउज काफी अच्छे लगते हैं, बट इसके लिए आपके अगर हैवी आर्म है तो आप कट स्लीव भी पहन सकते हो। आपको करना क्या है, जो कट स्लीव है उसको यहां से यहां तक आना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो पार्ट है हाईलाइट नहीं होगा तो आपके आर्म्स जो है वो हैवी नहीं लगेंगे। आपको अपने आर्म्स को कम ओपन करना है, जिससे कि आपके जो हाईलाइट ज्यादा नहीं होंगे। एंड अगर आपके आर्म्स हैवी हैं, अगर आपकी नेक जो है यहाँ की जो लेंथ है वो भी कम है, तो आपको बोट नेक नहीं पहनना है। बोट नेक में भी आपको थोड़ा सा नीचे से पहनना है, क्योंकि अगर आपकी गर्दन छोटी है और बोट नेक पहनोगे तो आपके आर्म्स ज्यादा हाईलाइट हो। आपको अपने लिए जो ब्लाउज स्टिच करवाने हैं वो डार्क कलर में स्टिच करवाने हैं, जैसे कि आप ब्लैक कलर में अपने लिए ब्लाउज स्टिच करवाते हो तो वो बॉडी को स्लिम दिखाता है, हैवी जो आपका जो आर्म्स है वो हैवी नहीं दिखता है। एंड अगर आप चाहें तो जिस तरीके की साड़ी है उसका जो बेस कलर होता है, जैसे कि आपने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और उसमें काफी कलर है, बॉर्डर है, तो आप ब्लैक कलर का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो। अगर स्काई कलर की साड़ी पहनी है बट उसमें और भी कलर है, बेस कलर जो होता है उस कलर की अगर ब्लाउज अपने लिए स्टिच करवाते हो और सिंपल स्टिच करवाएं, ज्यादा गले में अपना डिजाइन वर्क ना करवाएं, बैक में करवा सकते हो, क्योंकि आपके जो बॉडी है ज्यादा हैवी है, बैक में आप डिजाइन करवा सकते हैं, बट आप गले को जो सिंपल रखें, ज्यादा आप अपने उसमें जो लेसेस वगैरह हैं वो ज्यादा ना लगवाएं। आर्म्स आपके हैवी हैं तो आपको ज्वेलरी पर भी ध्यान देना है, आपको ज्वेलरी ऐसी पहननी है जिससे कि आपकी नेक भी छोटी ना लगे, और आप जो ज्वेलरी पहन सकते हैं चोकर अवॉइड कर सकते हैं, और आप लंबे वाले जो ज्वेलरीज होती हैं वो पहन सकते हो, वो भी काफी अच्छी लगती हैं। एंड आप गले के सेट भी पहन सकते हैं, तो वो चोकर टाइप का आप ना पहने, थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है ज्वेलरी, उस तरीके की ज्वेलरी आप अपने लिए चूज करें तो वो काफी अच्छी लुक देंगी आपको। एंड आपको अपने हेयर स्टाइल पर भी ध्यान देना है, आपको ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जिससे कि आपके जो आर्म्स हैं वो हैवी ना लगे। अगर आपकी गर्दन भी छोटी है तो मैं आपको हेयर स्टाइल बताऊंगी किस तरीके से करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा पफ अपने लिए चॉइस करना है,
एंड आप साइड पफ बना सकते हो और अपनी ऊंची पोनी बना सकते हो। इससे क्या है, आपका जो फेस है ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा लंबा दिखेगा और इसे लुक वाइज भी काफी अच्छे लगोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपकी नेक छोटी नहीं है, लंबी है, तो फ्री हेयर स्टाइल कर सकते हो। ब्लाउज भी आपको इस तरीके का स्टिच करवाना है, ज्यादा फिटिंग नहीं करवानी है। अगर आप ज्यादा फिटिंग करवाओगे तो जो आपका अपर पार्ट है वो ज्यादा हैवी दिखता है। थोड़ा लूज करवाएं, जिस आपके आर्म्स हैं और जो आपकी चेस्ट है वो दोनों इक्वल दिखते हैं, जिस ज्यादा हैवी नहीं लगता है। और जाते हो उसमें जो स्लीव आप सिलवाते हो तो उसको भी ज्यादा आपको टाइट स्टिच नहीं करवाना है, क्योंकि अगर ज्यादा स्टिच करवाओगे तो आपके आर्म्स जो है काफी हैवी लगते हैं। अगर आपके हैवी आर्म्स हैं और चेस्ट भी काफी भारी है तो आपको जो ब्लाउज की लेंथ है वो भी थोड़ी ज्यादा ही रखनी है, जिससे कि आपका जो बॉडी पार्ट है काफी अच्छा दिखे, लुकिंग वाइज भी काफी अच्छा लगना चाहिए। कोटी टाइप सिलवा सकते हो आप अपने लिए। ब्लाउज जो है 14, 16 एंड 17 इंच की जो मैंने मेजरमेंट बताया है ये काफी अच्छा है हैवी चेस्ट के लिए। तो इस तरीके का ब्लाउज अपने लिए स्टिच करवा सकते हो। और स्ट्रेचेबल जो ब्लाउज नहीं है तो आप ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप ले सकते हो, किसी भी कलर का आप क्रॉप टॉप ले सकते हो, उसको वेयर कर सकते हो अपनी साड़ी के साथ। तो ये जो सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं काफी अच्छे लगते हैं। बस इन टिप्सों को आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें, माइंड में रखें, तो आपका जो आउटफिट है काफी अच्छा लगेगा। और आपकी बॉडी हैवी है तो क्या हुआ, बट आप उस पर भी काफी स्टाइलिश लग सकते हो और काफी स्टाइलिश पहन सकते हो। और एक बात, और अगर आप हैवी हैं, आपके आर्म्स हैवी हैं, चेस्ट हैवी है, तो आप एंटिक पहनेंगे तो वो काफी अच्छे लगेंगे आपके ऊपर। तो एंटिक भी आप, एंटिक जो ज्वेलरी होती हैं उनको भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी लगती हैं। और फ्रिल्स वाले ब्लाउज जो होते हैं आजकल काफी ट्रेंड में है, फ्रिल्स वाले ब्लाउज आपने देखे होंगे। और तो स्लीव स्टिच करवाएं, उसमें आप फ्रिल्स लगवा सकते हो। तो आप अपनी बैंगल्स काफी कम रखें, ज्यादा ना पहने, 1 से 2 कड़े डाल सकते हैं। तो उससे क्या है, आपका जो हाथ है ज्यादा छोटा नहीं दिखेगा, क्योंकि 3/4 अगर आप ब्लाउज पहन लेते हो उसमें आप चूड़ियां भर भर के पहनते हो, तो उससे आपका जो हाथ है वो काफी छोटा लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्लीव और अपनी बैंगल्स में थोड़ी दूरी बना के रखनी है, तो ये लुक भी काफी अच्छा लगता है। तो इस तरीके के जो टिप्स हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अगर और भी कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आऊंगी। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझसे किसी ने कमेंट किया था, इसलिए काफी दिन से मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाह रही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करके जो आने वाली वीडियो है उसको आप जल्दी से देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव।